कांग्रेस ने 5 ट्राइबल सीटों में अपना प्रत्याशी उतारा था और ऐसे में तो भगत हमारे साथ सुजय जी जो जीत मिली है इस सीट को किसको श्रेय देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने आपका साथ वहां पर नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि पूरी जीत महागठबंधन के तमाम साथियों का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, उनके सारे, मैं समझता हूँ उनका बहुत सहयोग रहा और ये जीत का सारा श्रेय हमारे वहाँ के लोहरदगा के संसदीय क्षेत्र के जनता को जाती है। कौन से मुद्दे होंगे जो संसद में आपके दौर से उठाए जाएंगे, क्योंकि सरना कोर्ट को आपने मुद्दा बनाया था उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार? नहीं, सरना कोर्ट तो आज भी मेरे लिए मुद्दा है, क्योंकि ये ट्राइबल अस्मिता की बात है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को बनवासी कहती है, उनके आइडेंटिटी को नकारती है, दूसरा जल जंगल जमीन की हम बात करें जो जिसके साथ हमारा न्यूनाश संबंध है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ला के उन चीज़ों को खत्म करना चाहती है, और ये सरना धर्म कोड क्योंकि एक आइडेंटिटी की बात है, कल्चरल ही नहीं वो रिलीजियस आइडेंटिटी की बात है, तो वो तो संसद में मेरा पहला प्रश्न होगा। बेरोजगारी और पलायन भी उस क्षेत्र में काफी देखा गया और वो बड़ा मुद्दा हो सकता है वहाँ के लोग। मैं आपको बताऊँ, मैंने इसलिए कहा कि मैं ये प्रयास करूँ, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय समाज के हर वर्गों से उन्होंने इंटरेक्ट किया, उनसे प्रायोरिटी लिस्ट ली है और उसके बाद गारंटी पत्र जो उन्होंने तैयार किया, उनकी जनता की बात है, तो मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र के हर वर्गों के साथ मैं इंटरेक्ट करूंगा, उनसे बातें करूंगा, उसका प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करूंगा। ये थे सुखदेव भगत जो बता रहे थे जनता से बातचीत के बाद ही वो मुद्दों को तय करेंगे और संसद में उन मुद्दों को गंभीरता से उठाएंगे। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।